हेलो माय टू फैमिली, आज जो मैं आपके लिए डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ वो आपकी कैलकुलेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर देगी। और ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना वो हर टाइप के नंबर्स पे अप्लाई होगी। ऐसा नहीं कि इस टाइप के नंबर के लिए ये ट्रिक, इस टाइप के नंबर के लिए ये ट्रिक, इस टाइप के नंबर के लिए ये ट्रिक, ना बिल्कुल भी नहीं। ट्रिक एक कॉमन एक, सो लेट्स रॉक। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाँ यार, अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पहले देख लो, अच्छी लगे तभी करना, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी पीछा कर सकते हो, maths.future। तो आओ फिर चलते हैं, देखते हैं ट्रिक क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है 9123 डिवाइडेड बाई 87, ठीक है ना। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ कि इस नंबर को आप इससे डिवाइड करो तो आप क्या करोगे, अपना ट्रेडिशनल मेथड लगाओगे, ये वाला यही तो लगाओगे ना, इस मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मन नहीं करेगा इसको सॉल्व करने का, आप क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दोगे, तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएं, ठीक है ना, आधा एक नंबर कट सकता है। लेकिन इस ट्रिक को देखने के बाद आप ये क्वेश्चन जरूर करोगे, पूरा खत्म करोगे, ठीक है ना, पूरे तरीके से खत्म करोगे। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो जो ऊपर लिखा है उसको वैसे का वैसे ही लिख रहे हैं, उसको हमको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, कतई नहीं, इसको हमको चेंज ही नहीं करना है। देखो नीचे क्या लिखा डिनोमिनेटर में, देखो जो स्टेप मैं बताऊंगा वही स्टेप आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। नीचे का नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ऊपर का नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जो स्टेप मैं बताऊंगा आपको वही स्टेप फॉलो करना है। अभी मैं आपको 3 digit 4 digit 5 digit के नंबर भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो जो नीचे लिखा हुआ है ना इसका ले लो राउंड ऑफ, तो 87 जो है वो किसके ज़्यादा पास में है, 80 के या 90 के, यानी 80 के या 90 के, ऑब्वियसली ये नंबर 90 के ज़्यादा पास में है, तो मैंने यहाँ पे इसके प्लेस में 90 लिख दिया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 81, 82, 83 या 84 लिखा होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता 80, क्योंकि तब ये नंबर 80 के ज़्यादा पास में होता, ठीक है ना। तो मैंने इसका राउंड ऑफ करके लिख दिया, समझ में आया मैंने क्या करा है, इस नंबर को राउंड ऑफ करके लिखा है, यानी कि ये नंबर जो है वो 80 और 90 के बीच में आता है। किसके ज़्यादा पास में आता है, 90 के ज़्यादा पास में आता, तो मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया, ठीक है ना। अब बताओ कि अगर मैं आपको अब डिवाइड करने को दूँ तो आप मेरे ख्याल से सेकेंडों में कर दोगे, ठीक है ना, कर दोगे कि नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन क्या ये करना सही होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये करना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो हमारा ये था, मैंने तो इसको इस तरीके से बस बनाया है। अब मेरी बात समझना, मैंने करा क्या, मैंने इसमें 3 को ऐड करा है, क्या करा है, मैंने इसमें 3 को ऐड ही तो करा है, तभी तो 90 आया भाई, ठीक है ना, समझ में आई बात, मैंने इस नंबर में 3 को ऐड करा है तभी आया है ये 90, ठीक है ना। अगर मैंने नीचे कुछ काम करा है, यानी नीचे कुछ ऐड करा है, तो मुझे ऊपर भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में इक्वेशन को बराबर करना पड़ता है, जो काम हमने नीचे करा है उसी तरीके का कोई काम हमको ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन बराबर होगी, ठीक है ना। तो नीचे जो भी नंबर लिखा उसका राउंड ऑफ करके लिख दो। अब मेरी बात समझना ध्यान से, इतना ही करना है। अब इस नंबर का राउंड ऑफ ले लो, ये लिखा हुआ है 9123, यानी कि 9123। इस नंबर का राउंड ऑफ क्या होगा, ये नंबर जो है वो 9000 और 10000 के बीच में आ रहा है, बताओ इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 9000 या 10000, तो ये नंबर किसके ज़्यादा पास में आ रहा है, ऊपर वाला 9000 के पास में, तो यहाँ पे लिख लो 9000, क्या लिख लो 9000। अगर ये नंबर 10000 के पास में आता तो मैं यहाँ पे 10000 लिख लेता, ठीक है भाई। अपॉन में कितना है, अपॉन में है 90, तो अपॉन में लिख लो 90, इसको इससे डिवाइड कर दो, देखो कितना आसान है, कितना आ गया 100, कितना आ गया 100 आ गया, बात समझते रहना 100 आ गया। कैसे करा फिर से बताता हूँ, ये जो नंबर लिखा होता है इसका राउंड ऑफ यहाँ लिख लो, ठीक है ना, किसके ज़्यादा पास में है, 9000 के पास में है, ठीक है। जो 90 हमने निकाला था राउंड ऑफ करके वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको डिवाइड करके आया हमारा 100। अभी जो 100 आया है उसकी इस 3 से मल्टीप्लाई, स्टेप समझते रहना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा लेंथ ही है, मैं तो वही मेथड लगा लूंगा अपना, नहीं, ये मेथड सेकेंडों का है, एक बार सीख लोगे प्रैक्टिस कर लोगे मेरी गारंटी है कि आप बहुत स्पीड में बहुत अच्छे से करोगे। बात को एक बार फिर से समझना, ये जो 100 आया है उसकी इसकी 3 की मल्टीप्लाई करा दो, 100 की 3 से मल्टीप्लाई कितनी होगी, ऑब्वियसली 300, कितनी होगी 300, जो 300 आया वो उसको ऊपर ऐड कर दो, यानी यहाँ पर ऐड कर दो, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ क्लियर है बात। देखो अगर मैंने नीचे 3 ऐड किया है तो मुझे ऊपर 300 ऐड करना पड़ेगा, वो मैंने निकाला किससे, मैंने इस तरीके से निकाला कि ये जो नंबर लिखा था जो भी नंबर उसका राउंड ऑफ करा, इसका राउंड ऑफ करा, दोनों को डिवाइड करके जो भी आया उस इस 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर मैंने ऐड कर दिया। ये काम सेकेंडों का है, आप मन में भी कर सकते हो, चाहे करके देख लो, ठीक है ना, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब इनको कर दो ऐड, तो 0 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 14 हो जाएगा 9, अपॉन में हो जाएगा 90, बताओ अब तो इसको काट दोगे। मैंने इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर दिया,
ये क्वेश्चन अब इसमें कन्वर्ट हो चुका है पूरी तरीके से, इसको काट दो, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा, बताओ क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म करके देख सकते हो आप। इसको काटने का तरीका भी बहुत ईजी है ना, आप 90 को लिख लो 9 into 10 और 9 से इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 104.7 और ये 10 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो मतलब कुल मिला के आपको यही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। 90 से उसको डिवाइड करोगे तो आपको यही आएगा, आप चाहे करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से करा, कितने आसान तरीके से करा, ना ही आपको 87 का टेबल करना पड़ा, ना ही आपको कोई मल्टीप्लाई हार्ड करनी पड़ी, ना ही आपको कोई डिवाइड हार्ड करनी पड़ी, कुछ भी आपको टफ नहीं करना पड़ा, बहुत आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया। अच्छा चलिए अब मैं यहाँ पे 3 डिजिट ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या करना है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 56324 / 713। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को डिवाइड करने को दूं तो आप शायद मना कर दोगे, आपको बोलोगे सर मुझसे नहीं होगा, भले मेरे एक नंबर क्यों ना कट जाए लेकिन मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है ना, आप यही बोलोगे, ठीक है ना। लेकिन अब आप कर पाओगे किस तरीके से बताता हूं, मुझे स्टेप बाय स्टेप याद रखना, ऊपर वाले को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, जैसे है वैसे ही लिखे रहने दो, कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। नीचे वाले का राउंड ऑफ कर लो, तो जो नीचे वाला नंबर है वो 700 और 800 के बीच में आता है, तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा भैया इसका 700, क्योंकि ऑब्वियसली ये नंबर 700 के ज्यादा करीब में आ रहा है, तो नीचे वाले का लिख लिया राउंड ऑफ। तो हमने इसमें ऑपरेशन क्या लगाया, इसमें ऑपरेशन लगाया हमने माइनस का 13, क्या लगाया माइनस का 13, यानी कि मैंने इसमें से 13 को माइनस करा है तभी ये 13 आया है। अब देखो करना क्या है, अगर मैंने कुछ नीचे माइनस करा है तो मुझे ऊपर भी कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, अब वो क्या माइनस होगा वो हम इससे डिसाइड करेंगे। तो इसका जो राउंड ऑफ है वो आप यहाँ लिख लो, तो अब ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 1/10, 100,000, 10,000, यानी कि 56,324, यानी कि 56,324 और 57,000 के बीच में आता है, बताओ ठीक है ना, ये नंबर 57,000 और 56,000 यानी कि 56,000 और 57,000 के बीच में आता है, तो ये नंबर किसके ज़्यादा करीब में, ऑब्वियसली ये नंबर 56,000 के ज़्यादा करीब में है, यानी कि 56,000 के ज़्यादा करीब में है। अपॉन में कितना लिखा, अपॉन में तो हमारा जो राउंड ऑफ था वही लिख देंगे, काट दीजिए फटाफट से, कितना आया 7, 8 जा 56, यानी आया 80, जो ये 80 आया है उसकी 13 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऊपर वही नंबर माइनस करिए, प्लस होता तो मैं प्लस कर देता, माइनस का साइन लगा तो मुझे माइनस ही करना पड़ेगा, तो ऊपर यही नंबर माइनस कर दीजिए, यानी कि क्या माइनस करना, 13 8 जा 104, ठीक है ना, मुझे 104 माइनस करना है और ये जीरो है, यानी कि 1040 मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। मैंने कैसे निकाला, इसका राउंड ऑफ मैंने पहले कर लिया था, दोनों को काट दिया, कितना है 80 की 13 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख के वही नंबर माइनस कर दीजिए, ऊपर माइनस कर दीजिए, तो देखिए किस तरीके से ये माइनस होगा, तो वही आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि मुझे 1040 इसमें से करना है माइनस, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब देखो कर दो माइनस, तो ऊपर 4 बचा, 4 है ठीक है ना, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 4, यानी 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ऑब्वियसली 8 बचेगा, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 12, तो यानी कि 2, यहाँ आ गया 2, यहाँ 5 में से बन जाएगा तो सॉरी 6 में से बन जाएगा तो 5 बचेगा, और यह है 5 अपॉन में है 700। अब मैंने इस क्वेश्चन को इसमें कर दिया कन्वर्ट, देख लो भाई कितना ईजी बना दिया, इस कैलकुलेशन और इस कैलकुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब तो आप काट दोगे, इसमें करना ही क्या है आपको, अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, नीचे इसको कन्वर्ट कर लो 7 into 100, 7 से इसको डिवाइड कर दो और 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा पॉइंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जिसका भी आ जाए यार एक बार कमेंट करके मुझे बता दो तो मुझे पता चल जाए कि हाँ आपने निकाल लिया है। तो देख रहे हैं किस तरीके से करा। चलिए अगली बार मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 4 डिजिट भी लेके देख ले रहा हूँ, तब देखते हैं कि आंसर हमारा क्या आता है। ओके चलिए आपके प्यार में एक और क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 92246 / 393, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड करना तो बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर वाले को तो हम चेंज करते ही नहीं है, तो ऊपर वाले को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं करना है, नीचे वाले का राउंड ऑफ कर देना है। तो जो नीचे वाला नंबर है यानी कि 393 वो किसके ज़्यादा पास में है, ऑब्वियसली 300 और 400 के बीच में नंबर आएगा भाई, 300 और 400 यानी 300 और 400 के बीच का नंबर है, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो 400 के ज़्यादा पास में है तो नीचे हो गया 400, अगर ये नंबर 300 के ज़्यादा पास में होता, अगर ये नंबर होता 312, 315,
340 इस तरीके का नंबर होता तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 300 ही लिखता, 400 नहीं लिखता, ठीक है ना। तो इतना हमने कर दिया, यानी कि यहाँ पे मैंने करा क्या है, यहाँ पे मैंने करा है प्लस का 7, यानी मैंने कौन सा ऑपरेशन लगाया है, प्लस का 7 लगाया है। अगर नीचे मैंने कुछ ऐड किया तो मुझे ऊपर भी तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे अब ये बताएगा। तो अब इसका राउंड ऑफ आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन के लिए साइड में। तो देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 92,246, यानी कि 92,246, ये जो नंबर है वो 92,000 और 93,000 के बीच का नंबर है। तो ये नंबर किसके ज्यादा पास में है, 92,000 के या 93,000 के? ऑब्वियसली ये नंबर 92,000 यानी कि 92,000 के ज्यादा पास में है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 92,000 यानी कि 92,000, और जो हमारा पहले से लिखा हुआ था 400 वो मैंने इसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। 0 से 0, 0 से 0 उड़ा दो बिल्कुल, एकदम खत्म कर दो, बिल्कुल रोकना नहीं है। अब 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 4 2 होता है 8, 4 3 12 और बचा 0 यानी कि आ गया 230, यानी 230, जो 230 आया है उसकी 7 से मल्टीप्लाई करा के आप ऊपर वही नंबर ऐड कर दीजिए। तो जो प्लस है ऊपर ऐड करना ना ऊपर वाले में, तो ये ऊपर वाला लिखा है तो मैं यहीं पे इसको ऐड करे दे रहा हूँ। तो 7 की इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 की 0 से कराएंगे तो 0 रहेगा, 7 की 3 से करा दीजिए, 7 3 = 21, कैरी 2, 7 2 = 14, 1 = 16। तो यही नंबर ऊपर ऐड होगा, ये हमको पता चल चुका है बिल्कुल अच्छे से। इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी इसकी और इसकी, 7 की और 230 की, वो ऊपर हमने ऐड कर दी, यानी यहाँ पे हमने ऐड कर दी, ठीक है ना। चलो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं जल्दी से, 6 और 1 6 और 0 6 5 और हो जाएगा 2 और 1, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, 6 और 2 8 होता है, एक सेकेंड, 4 और 1 5, और यहाँ 2 और 6 8 होता है, 1 और 3 होता है, और यहाँ हो गया 9/400। अब तो ये क्वेश्चन यार कुछ बचा ही नहीं, तो 2 मिनट का क्वेश्चन हो गया है आपके लिए, तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे इसे, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में 4 × 100, ठीक है ना। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, जो कि आप इजीली कर पाओगे इस तरीके से, और फिर इसको 100 यानी 2 0, तो 2 0 के बाद लगा देना पॉइंट। तो इसका भी मुझे आंसर कमेंट करो यार, प्लीज़ यार कमेंट तो कर देना। अब हम 4 डिजिट का नंबर भी एक बार देखते हैं, फिर 5 डिजिट का भी देखेंगे। तो है ना, क्वेश्चन को लास्ट तक देखना, यानी कि वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 82459 / 2127। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को डिवाइड करने को बोलूँ ना, तो शायद आप इसको ना करना चाहो, क्योंकि नीचे का जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा है। अगर मैं आपको 10 लाख का ऑफर भी दूँ ना, तो भी शायद आप इस क्वेश्चन को ना करो, 10 लाख का ऑफर। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जब भी नीचे का जो नंबर हो वो 3 डिजिट से ज़्यादा का हो, यानी कि कहने का मतलब है 1 2 3, बस हमको इतना ही चाहिए, बाकी जितना भी वो ना काट दो। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैंने काट क्यों दिया, तो बहुत अच्छी तरीके से मैं बताता हूँ। जब भी 3 डिजिट से ज़्यादा का नंबर हो, देखो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 हैं कि नहीं। जब भी इस तरीके से हो कि 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, 3 की बात नहीं कर रहा, 3 से ज़्यादा हो, 4 5 6 7 हो, तब आप उतने ही डिजिट काट दो। हमको क्या करना है, सिर्फ 3 ही रखने हैं, 1 2 3, इससे ज़्यादा नहीं रखने हैं। अगर यहाँ पे 5 डिजिट होते, मान लें यहाँ पे 6 7 कुछ भी मैं लगा देता, तो मैं 2 काट देता, 6 होते तो मैं 3 काट देता, मुझे सिर्फ 3 ही रखने हैं। अगर नीचे से एक कट किया है तो आपको ऊपर से भी एक कट करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ अब इस तरीके से बन चुका है, देख रहे हो, मैंने नीचे से एक काटा, क्यों काटा वो मैंने बता दिया। तो अगर नीचे से एक काटा तो ऊपर से एक काटो, अगर नीचे से 2 काटा तो ऊपर से 2 काटो, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन इसमें कितनी आसानी से कन्वर्ट हो गया। आप वही मेथड लगा दो जो मैं अभी तक आपको समझाता आया हूँ, यानी इसका लिख दो राउंड ऑफ। क्या लिख दो भाई इसका, राउंड ऑफ लिख दो। तो ये 212 जो है वो 200 300 के बीच में आता है, तो किसके ज़्यादा पास में, ऑब्वियसली 200 यानी 200 के ज़्यादा पास में। तो इसका जो राउंड ऑफ होगा वो होगा 200। तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया, माइनस को 12, यानी कि इसमें से हमने 12 को माइनस करा है। अगर मैंने इसमें 12 को माइनस किया तो मुझे ऊपर भी कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो इस नंबर का राउंड ऑफ ले लो यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है 8245 यानी 8246 45, ठीक है ना। तो ये नंबर किसके ज़्यादा पास में है, 8000 के कि 9000 के? ऑब्वियसली ये नंबर जो है 8000 के ज़्यादा पास में है, तो इसका जो राउंड ऑफ होगा वो होगा 8000, सही है, इसका राउंड ऑफ 8000 होगा भाई, 9000 मत कर देना। अपॉन में कितना है, 200, मुझे क्या करना होता है, इसका राउंड ऑफ यहाँ लिखना है, इसका राउंड ऑफ यहाँ लिखना है, दोनों को काट देना है, कितना मिला 40, कितना मिला 40 मिला, ठीक है ना, 40 मिला हमें। जो 40 आया है उसकी 12 से मल्टीप्लाई करा के ऊपर वही नंबर माइनस कर दो, सीधी सी बात। तो क्या कर दो कि 12 की 40 से मल्टीप्लाई, 12 4 = 48 और 0 लगा है तो वही नंबर माइनस करना है, ऊपर ही मैंने यहीं पे माइनस करा है, जो नंबर ये लिखा वो यही लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ माइनस कर लो चाहे यहाँ, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्वेश्चन में किस तरीके से करना है, इसको इससे माइनस कर दो, तो ये बचा 5,
और ये बचा कितना, 14 में से 8 जाएगा ऑब्वियसली 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा ऑब्वियसली 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ आ गया 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया एक सेकेंड, यहाँ पे 11 सॉरी यहाँ पे 11 होगा भाई, 11 में से 4 जाएगा, ठीक है ना। तो 11 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है ना, अकाउंट में है 200। अब देखो अब तो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। अब तो आप इजीली 200 से डिवाइड कर लोगे कि नहीं बताओ, अब तो कर लोगे, आंसर कमेंट में करो। तो इस क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से इसमें कन्वर्ट कर दिया, देख लो यार कितना आसान बना दिया, कितना बड़ा क्वेश्चन था कितना आसान बना दिया, आपको और क्या चाहिए, सबसे आसान तरीका बता दिया। अब मैं एक बार 5 डिजिट भी लेके देखता हूँ, देखते हैं कि किस तरीके से उसको करना है। चलिए आपके बहुत सारे प्यार के चक्कर में एक क्वेश्चन को और देखते हैं, जो कि हर क्वेश्चन का फादर, जो कि ये लिखा हुआ है 79673 डिवाइडेड बाई 40459। ये डिवाइड करना भैया बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन 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 बहुत आसान होने वाला है। देखो करना क्या है, जो बताया था उसी तरीके से करना है हमको। जो सबसे पहले नीचे चेंज करना होता है, नीचे कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 काउंट कर ली, ठीक है, तीन ही रखनी है शुरू की बस, बाकी काट दो, कितनी बची एक्स्ट्रा 2 काट दो, नीचे से 2 काटा है तो ऊपर से भी 2 काटो, नीचे से 1 काटा था तो ऊपर से 1 काटते, 2 ही काटते नीचे से, क्योंकि 5 में से हमको सिर्फ 3 ही रखनी है, हमेशा नीचे 3 ही रखनी है, 3 से ज़्यादा कभी नहीं रखनी है, डिजिट कितनी भी बड़ी होती जाए ठीक है ना, काटते जाओ, बस हमको नीचे 3 ही रखनी है, सीधी सी बात, जितना नीचे से काटो उतना ऊपर से काटो। ऊपर कितना बच गया, ऊपर ये बच गया, नीचे ये बच गया। अब तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे ना, तो इससे तो फिलहाल आसान ही पड़ेगा, बताओ नहीं पड़ेगा आसान, कितना इजी पड़ेगा यार, 2 से भी कट रहा है ये नंबर तो, लेकिन हमें तो अब इसको और आसान बनाना है। तो और आसान बनाने के लिए क्या करो, नीचे वाले को राउंड ऑफ में लिख लो, जैसे कि हर स्टेप को हम फॉलो करते आए हैं। तो 404 जो है वो 400 और 500 के बीच का नंबर है, किसके ज़्यादा पास में आता है, ऑब्वियसली 400 के पास में आता है, तो इसका जो राउंड ऑफ है वो होगा 400। तो यहाँ मैंने लिख लिया 400, मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, मैंने ऑपरेशन लगाया माइनस का 4, क्या लगाया या मैंने माइनस का 4, ठीक है ना। अगर मैंने नीचे कुछ माइनस किया तो मुझे ऊपर भी कुछ माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए। तो देखो क्या ऊपर माइनस करेंगे, तो यहां जो ये नंबर लिखे ना इसका राउंड ऑफ यहां लिख लो, यानी कि 796 जो नंबर है वो 700 और 800 के बीच का नंबर है, तो किसके ज्यादा पास में, ऑब्वियसली 800 यानी कि 800 के ज्यादा पास में है, तो इसका राउंड ऑफ हो गया 800। और इसका जो राउंड ऑफ वो तो लिखा ही हुआ है भैया, इसका राउंड ऑफ हमने पहले ही लिख लिया था, इसको काट दो, कितना हो गया 2, कितना है इसको काटूंगा 2, जो 2 आया है उसकी 4 से मल्टीप्लाई करा के ऊपर माइनस कर दो, तो 4 2 8 8 ऊपर माइनस कर दो, तो देखो 8 मैंने यहाँ माइनस कर दिया, ये नंबर वही नंबर लिखा है, तो चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ लिखो बात एक ही है। अब इसको माइनस कर दो, अब तो बचा ही नहीं कुछ, तो 16 में से 8 जाएगा तो ऑब्वियसली 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7 अपॉन 400, काट दो काट दो तुरंत काट दो यार, अब तो इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर दिया यार, और क्या चाहिए भाई आपको, और आसान बना दूँ, लो अच्छा कर लो ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे इसको 100 लिख लो मल्टीप्लाई में, अब तो काट दो, अभी भी नहीं काट पाओगे, चलो मैं ही कर दे रहा हूँ, इतना तो चलो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए। तो 4 बन जा 4 3 बचा 4 9 जा, और यहाँ कितना बचेगा 4 7 जा होता है, तो 197 कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट देख लो। समझाते समझाते भी मुझे शायद 2 ही मिनट लगे होंगे, ठीक है ना, अगर मैं खुद करने पे आ जाऊँ ना 20 सेकंड में कर दूंगा, तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया हमारा। तो मैंने आपको ये शॉर्टिक पूरी तरीके से समझा दी है यार, अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब करें ना, अब तो कर लो सब्सक्राइब ना, अब कर लो, अगर नहीं करा है तो लाइक कर दो ठीक है ना, और जिनका आंसर मैंने नहीं निकाला उसको कमेंट करके मुझे बता दो, और यार मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, अगर चाहो तो मेरा पीछा कर सकते हो। तो तब क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।